Hi friends, welcome back to my channel. मैं आज जा रही हूँ अपने शोज के लिए जो कि है मेरे नवरात्रि के शोज और 7 शोज हैं बैक टू बैक. एवरी डे कहीं ना कहीं ट्रेवल होगा और आज मैं ऑलरेडी पहुंच गई हूँ कोलकाता एयरपोर्ट पे. तो मैं अब ब्लॉगिंग अब स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और आज से शुरू होगा नवरात्रि के शोज. बहुत सारा मस्ती, बहुत सारा धमाल, डांस वांस सब कुछ होने वाला है. तो आज शुरू हो रहा है आज से दुर्गापुर. रेडियो रेडियो आप लोग मेरे साथ चलने के लिए रेडियो आ जाओ. अच्छा, आपको अगर लग रहा हो कि मैं अकेली जा रही हूँ तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बेबी है. यो जय माता दी, लेट्स रॉक. लेट्स रॉक मतलब रॉक मैं करूंगी, तुम रॉक्स पे गिर जाना. मैं डांस करूंगी, तुम मेरी आज ब्लॉगिंग करना. मैं सिर्फ और सिर्फ दो कारणों की वजह से जा रहा हूँ, एक तो ब्लॉगिंग की वजह से और दूसरा एक मुझे बाई रोड ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और 9 दिन हमें. आई हेट बाई रोड ट्रैवलिंग, आई हेट इट. कितने शोज मैं इसलिए छोड़ देती हूँ, कितने लाइफ में भी बताओ जरा, कितने लाइफ में मैंने शोज छोड़ दिए. फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ. अच्छा हाँ, तुम बता. मुझे बाई रोड ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, 9 दिन हमें बाई रोड ही ट्रैवल करना है. एक दिन शो करके फिर दूसरी जगह बाई रोड, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, फिर पांचवी जगह, और मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए मैं आया हूँ. कैसी लग रही? Very nice. मैं लोगों से पूछ रही कैसी लग रही. बेबी लगेज चला गया हमारा, जल्दी ले लो. बेबी कॉफी नहीं पियेंगे? मैंने फ्लाइट में कॉफी नहीं पी है. इसके साथ लूडो खेल रही थी और लूडो में मैंने इसको 2 बार हराया है, 2 बार बेइज्जती हुई है इसकी, 2 बार गंदे तरीके से. तो मैं कॉफी पीना भूल गई, तो अब मैं पीऊंगी अपनी पहले कॉफी. नीतू भी आई है हमारे साथ. नीतू है, नीतू से भी मिलवा देती हूँ. नीतू कहाँ है? अरे नीतू कहाँ है, निकल ली क्या? ओ मेरा बेबी ऐसा लग रहा है. बेबी नीतू दिख रही है और ही नीतू. नीतू हेलो बोल दो. हेलो, सुबह से नहीं मिले थे हम लोग. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून हो गया क्या? नीतू साथ में ट्रैवल करेगी और नीतू की पूरी इच्छा अविनाश ने पूरी की है. हाँ जी हाँ, अविनाश भी आके नीतू की इच्छा थी कि अविनाश इस शो में हमारे साथ आए और अविनाश आ गया, लेके आ गई मैं. थैंक यू. अरे ये किसका बैग है? नहीं हमारा नहीं है. नीतू ने किसी और का बैग उठा लिया मेरा समझ के, सोचो. और हम लोग ले जाते तो आ गया हमारा बैग. हमारा है ना, हमारा बैग है. अच्छा इस बैग में ना, इस वाले बैग में सारा मेरा शो का सामान है, मतलब सिर्फ शो के कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो एक अकेले बैग में है और बाकी दूसरे बैग में अविनाश और मैंने अपना सामान रखा हुआ है. इस वाले बैग में सिर्फ शोज का सामान है, मतलब जितने मेरे इतने दिन सुन रहेंगे उसका सारा सामान इसमें है. नीतू आज हमसे दूर दूर है अविनाश, तुम्हारी वजह से. नीतू ना आगे आगे भाग रही है, तुमसे शर्मा रही है नीतू. और वैसे बोल रही थी भैया को लेके आओ. मैं खुश हूँ भैया यहाँ पे आए पहली बार हमारे साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. साथ ही निकलना है उनके साथ. ये खुशी है या धक्का लगा है दिल को? मेरे से आज तक तुम तो शर्माई नहीं, नीतू तो शर्माएगी. मैं शर्माती हूँ ना. तुम कब शर्माई थी? शादी में तो हंस रही थी तुम. शादी के दिन शादी में हंस रही थी मैं. हाँ, घूंघट कंधे पे था और 32 के 32 दांत दिख रहे थे. करे अरे देखो बहू रानी, देखो जिसके दांत चमक रहे हैं वही है बहू रानी. मेरा मजाक बना रहे हो क्या? नहीं अब मेरे को बात नहीं करनी, पकड़ लो. मैं तो सच बता रहा हूँ, मजाक अपने आप बन रहा है. सुनो अब क्योंकि तुम मुझे सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए लाई हो तो अब तो मैं भाव खाऊंगा. ऐसा मत करो बेबी. हाय हेलो, मैं आपका ब्लॉग देखती हूं. अच्छा ये देखो भाई, हमारे ब्लॉग के लोग मुझे मिल गए हैं. बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर. सारे ब्लॉग देखते हो क्या? करती हूँ ब्लॉग करती हूँ. इधर देख के बताओ, दीदी ब्लॉग करती हैं? दीदी ब्लॉग करती हैं. यस आपने अंडमान का ब्लॉग किया था, हम भी अंडमान से हो गया है. अच्छा ब्लॉग देखने के बाद ये अंडमान हो गया है. अभी हम दुर्गापुरी जा रहे हैं. ओ वाह, मेरा शो है दुर्गापुर. अच्छा अच्छा, चलिए नाइस रीडिंग है. बहुत अच्छा. एक फोटो फोटो फोटो. हेलो ये अच्छा अच्छा लगता है जब ऐसे आपको लोग मिलते हैं जो आपके ब्लॉग्स देखते हैं. सो यू नो इतना कनेक्शन इतना इंस्टेंट हो जाता है ना. चलिए थैंक यू सो मच. ओके मैंने आपको क्यों देखा? आप रियल में बहुत क्यूट हो. थैंक यू. देखा मुझे बोला है कि मैं रियल में क्यूट हूँ. तुम मानते नहीं हो ना, अब बोलो. बोल रहे थे कि खुद ही बोलती हो, लोग तो नहीं बोलते. बोल दिया ना लोगों ने मैं क्यूट हूँ. क्या है, झूठ को 100 बार रिपीट कर दो ना तो सच के करीब आ जाता है वो. जी नहीं, सच के करीब नहीं, ये सच ही था. कॉफी देखो, कॉफी कहाँ? कॉफी है क्या यहाँ पे? कॉफी किधर है? कॉफी यहाँ में ही है. ये तो किताबें हैं, कॉफी कहाँ है पता करूँ? बेबी है पता कहाँ से करूँगी इसे पूछ. अरे यार ये एग्जिट है, यहाँ कहाँ कॉफी मिलेगी. बेबी तुमने तो बोला था कि बेबी तुम्हारे बिना मेरे ब्लॉग अधूरे, मेरे साथ चलो नवरात्रि के शोज में. लेकिन मुझे आके एहसास हुआ कि तुम तो मुझे एज अ कैमरा ऑपरेटर लाई हो. मेरा षड्यंत्र पूरा हुआ. सही, ये जानबूझ के ना इस तरह की बातें बोलता है ताकि आप लोग ना इसका साथ दो कि ओ अविनाश जी आप कितनी क्यूट हो, संभावना जी हाउ मीन हाउ रूड, आप कितने रूड हो, आप कितने ऐसे हो. ओ संभावना. हाँ
तो मैं कंटिन्यू करूंगी इस बात को कि आप संभावना जी कितने रूड हो, अविनाश जी के साथ ऐसे मत करा करूंगी, अविनाश जी कितने प्यारे हो, आपके ब्लॉग्स अविनाश जी के बिना अधूरे हैं। आई एम बाइंग अ रिटर्न टिकट एंड गोइंग बैक टू मुंबई। तुम ही अमा के बालो वाशी, तुम ही ना वाशी, अरे क्या हुआ मी भी बाशी तुम भी बाशी, वेर इज कॉफी बाशी, नो कॉफी, कॉफी कॉफी शॉप यही पे काम कर रहे हैं आप तो? कॉफी बाहर होगी, देयर इज नो कॉफी बेबी। idli.com तो दिख रहा है लेकिन कॉफी नहीं दिख रही मेरे को, कोई भी देख नहीं रहा है एयरपोर्ट पे, हमें कोई लेने नहीं आया है, ये कैसा स्वागत है, कोई लेने नहीं आया, अरे कौन है इसको फोन करूं, तुम्हें फिर हंसी आ रही है, क्या करें, अरे कोई भी नहीं आया लेने, धूल धक्कड़ में खड़ा कर दिया हमें। अविनाश ठंडा पानी मत लेना, मैंने ठंडा पानी छोड़ दिया, मैं त्याग कर रही हूँ, मेरे को कॉफी पीनी थी लेकिन इधर की कॉफी मैं नहीं पी सकती, ऐसी जहरीली कॉफी बनाते हैं ना। गाड़ी थोड़ा सा आगे, हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी पे, अब जा रहे हैं दुर्गापुर की तरफ, रास्ते में रुकेंगे कॉफी के लिए और इनसे मिलवा दूं। अब अपना इंट्रोडक्शन दे दो। जी नमस्ते, हम बिक्की सिंह है। उस तरफ जगह है, किस तरफ? तुम्हारे उस तरफ। हाँ जगह है, तुम आओ इस साइड पे आ जाओ। आऊंगा तो तब ना, जब तुम उधर किसको गी? ये बैग्स उधर को कर दो ना, उस साइड पे करो। लो बैग इधर हो गया, अब तुम इधर आ जाओ, बस हो गया काम। ये लो, मैं आ गई। अरे इधर खिसकना है मेरी तरफ, इधर खिसको, दरवाजे से बाहर हो जाओ। मैंने कल की रिटर्न फ्लाइट करा ली है। क्यों? आई एम गोइंग बैक टू मुंबई। क्यों? ज्यादा भाव खा रहे हो क्या? ब्लॉगिंग में लोग पसंद करे तो भाव खाओगे। यहाँ बारिश वाला मौसम क्यों हो रहा है? पता कितने लोगों ने, मैंने इतने प्यार से नेल पॉलिश लगाई थी, कितने लोगों को पसंद नहीं आई, तो अच्छा लगा था लगा के, लेकिन इससे ना प्रॉब्लम एक हो रही है, मैं हाथ से खा नहीं पा रही हूँ, हल्दी लग जाएगी ना, देखो मेरी कैसी लग रही है नेल पॉलिश, गेहूं रंग से पता लगता ना। I didn't want to be rude to you. काला रंग बोलना चाह रही थी। मेरी मम्मी तो कहती थी मैं गोरा हूँ। माय प्यार करती है ना, माय सच नहीं बताती। नीतू ठीक हो तुम? हाँ जी मैम। नीतू तुमने खाया तो था ना? हाँ जी सर। फिर भी चुप हो? तुम भी तो खाने के बाद ही चुप होती हो, उससे पहले बहुत बोलती हो। दिल नहीं दुखाया, मैं तो तोड़ने की कोशिश की थी, फिर दुखा। डॉल कितनी अच्छी लग रही थी सामने। बिल्कुल मेरी तरह देखो, दिखाओ। मैं अभी तो ऐसे ही लगती हूँ। Cute. हम लोग अभी यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में आए हैं, कॉफी पिकअप करेंगे और बर्गर पिकअप करेंगे, वेज वेज। मैकडॉनल्ड्स बड़ा मजा आता है देख के। वो रही मेरी कॉफी बन रही है। This is a mall called City Center 2 in Kolkata. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मॉल, अंदर अंदर तक देखोगे ना अविनाश, तो बहुत अच्छे पूरे शोरूम्स हैं, ऑल गुड ब्रांड्स हियर। देखो लालटेन की सफाई टंगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन अब जाना तो पड़ेगा, काम के लिए आए हैं, पैसा लिए हैं। थोड़ा सा टेस्ट कराना बेबी वाला। तुमने कराया था? तुमने मांगा ही नहीं, फोन आ रहा है मैकडॉनल्ड से, वापस मांग रहे बर्गर। एक बाइट तो दो। एक अच्छी चीज हुई है हमारे ट्रैवल में कि बारिश शुरू हो गई है, सामने शीशे पे मूसलाधार बारिश हो रही है। बेबी कैसा लग रहा है तुम्हें ट्रैवल करते हुए? बहुत अच्छा, ना धूप है ना गर्मी है, पर बारिश भी शुरू हो गई तो मजा आ रहा है। और मुझे तो बाई रोड ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। मुझे पास पास कहीं दो चुटकी और पास पास थोड़ा सा ना वो ट्रैवल नहीं होता, और अभी कम से कम 2 घंटे और ट्रैवलिंग है, नीतू पीछे उजड़ चुकी है और इसके बाद मेरी बारी है। चुटकी ले दो ना, लेके क्यों नहीं थे हाईवे पर, कहाँ से चुटकी बजा के चुटकी ले आऊं? अभी हमने खरीदी है पास पास, लंबे ट्रैवल से ना तबीयत खराब होती है और गाड़ी भी खराब हो गई है। देखा जब शुरुआत ऐसी हो जाए तो आगे आने वाला समय बहुत बढ़िया कटता है, ऐसे हमारे बुजुर्गों का मानना है। हम पास पास है, खुल भी नहीं पा रही हो। हम पास है। अरे एक सिपाही ढेर हो गया पीछे, काफी देर से ढेर पड़ा हुआ है। 3 पैकेट खा गई मैं, 3 पैकेट, और अब खाऊंगी मैं। हम पास पास है। अच्छा लोगों को ऐसा लगता है ना आपके ब्लॉग्स जो है अविनाश के साथ इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि ऐसी बेवकूफियां मैं अविनाश के साथ ही कर सकती हूँ, किसी और के साथ कैसे, जिन लोगों के साथ काम कर रही हूँ उनके साथ करूँ? हम पास पास मैं मैडम घर चलो, तो ये बेवकूफियां जो है वो मैं एक्चुअली अविनाश के साथ ही कर सकती हूँ। तो आप लोगों को लगता है अरे आप दुनिया जो अविनाश जी नहीं है तो लॉन्ग इंटरेस्टिंग नहीं है, पूछते नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो थे उन्होंने मुझे देख लिया है ये करते हुए। अब बताओ उन्होंने दूर से, इन्होंने मुझे दूर से देखा था, मैं कुछ डांस कर रही थी, तो ये तब से चुप बैठे हैं। सिपाही जाग गया पीछे वाला। निकले गए।
देखो हाथ से खुलेगा क्या, इसकी चूड़ी घूम गई। जब हम लोग पहुंचने वाले हैं तो एसी चल पड़ा। जय माता दी, जय माता। वैष्णो देवी चले अभी? अभी मतलब बनाए प्रोग्राम वैष्णो देवी का, आप क्या बोलते हो? वैष्णो देवी जाए, बोलो माता को बुलाए, चले। कपड़े पूरे पहने, पैर सूज जाएंगे। हाँ तो उसमें खच्चर पे चले जाएंगे ना? खच्चर तो तुम्हारे बैठते ही खच्चर बन जाएगा। मेरे को ना बहुत डर लगता है जब वो जो है ना, जो उनके खच्चर चलते हैं ना, वो खच्चरों के पैर स्लिप होते हैं, पता है तुम्हें? हाँ पता है, वो ना बिल्कुल अच्छा खच्चर जो मैंने देखा है माता के यहाँ पे, जब जाओ तो खच्चर ऐसे कोने में, खाई के कोने में चलता है और उनके पत्थर ना साइड साइड से गिरते आते हैं, तो आपको लगता है अभी गए, आप तभी गए। खच्चरों के पैर भक्तों से ज्यादा फिसलते हैं, पता है? बेटर है कि फिसलते हुए आप खुद अपने पैरों पे जाओ, मेरी अपने पैरों पे जाओगे। हेलीकॉप्टर भी तो जाता है। अरे आपने वाकई निकाल दिया आज, बोला दिखाओ तो बॉटल का क्या हाल किया आपने। देख लो इन्होंने इस बॉटल का क्या हाल किया, ये देखो। यू हैव टू सी द वेदर। पाकिस्तान से है ना? हाँ पाकिस्तान से। हाँ तुम्हारे परदादा मुल्तान के थे ना? हाँ। पार्टीशन के बाद आए ना तुम लोग? हाँ, हम पाकिस्तान में थे। हम मतलब वो लोग, मतलब पूर्वज जो है वो वहीं से, मुल्तान से, सेठ पंजाबी ना, तो बाद में पंजाब आधा उधर चला गया ना पाकिस्तान में। हाँ आधा पंजाब इधर आ गया, वरना आज मैं पाकिस्तान से ब्लॉगिंग कर रही होती। आधे पंजाबी वहाँ, आधे यहाँ है, दोनों सेम। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये काट के देखो और खून मिलाओ और बताओ क्या हिंदू का है या मुस्लिम का है, बताओ कौन सा पिक्चर का डायलॉग सुर्खी हुए आजकल। अभी जितनी बारिश हो रही है, ये बारिश तो अच्छी है, कह रहे हैं कि ये शो के लिए अच्छा नहीं है इतना बारिश होना, क्योंकि हमारा शो ओपन में है और अगर ओपन में बारिश हो गई तो शो कैसे होगा। हाँ सही बोल रहे हो, गड़बड़ है। देखो पैसा तो सारा आ चुका है लेकिन फिर भी गड़बड़ तो है देखो। हम लोग पहुंच गए दुर्गापुर और अब जा रहे हैं अंदर। कहाँ जा रहे हैं? अभी उधर से है ना।